इनको देख लो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, नहीं आज की डेट में देखने की, सुनने की और बोलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। और एक तरफ ये देख लो मैं हूं जो बस सोचे जा रहा हूं। बहुत आसान है ये कहना कि घर के अंदर रहो, सिर्फ ये कहना कि घर के अंदर रहो, इतना पैसा जब बैंक अकाउंट में हो कि सात पुश्ते बैठ के खाएं तो खत्म ना हो, तो बहुत इजी हो जाता है कहना। लेकिन उन लोगों का क्या, उन गरीबों का क्या जिनके पास सात दिन का खाना नहीं है? अरे सात दिन तो भाड़ में गए साला, शाम तक का नहीं है। बहुत से लोगों ने पैसे दिए, अच्छी बात है, देने चाहिए, जिसके पास थे उन्होंने दिए। लेकिन एक सवाल, इस लॉकडाउन में गरीबों का होगा क्या? मैंने भी वीडियो बनाया था लॉकडाउन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। वो वीडियो कुछ जगह आपको हंसाएगा, कुछ बातें सोचने पे मजबूर भी करेगा। मैंने भी कहा है कि घर के अंदर रहो, जिंदगी से हाथ धोने से अच्छा है साबुन से हाथ धो लो। लेकिन दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा मुद्दा भी उठाया जो सही था, कि गरीब भूखा मर रहा है तो मर जाए घर के अंदर, लेकिन बाहर ना निकले। कोरोना से मत मरो, भूख से मर जाओ। आर्टिस्ट हूं, हर बात को तरीके से कहना जानता हूं, और मुझे खुशी है कि कुछ चीजें सरकार की पहुंच से बहुत दूर है। आसमान में चमकता हुआ सूरज किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो पक्षपात करके रोशनी नहीं बांटता, उसे आप रिश्वत नहीं दे सकते, नहीं तो उसे भी लॉकडाउन कर दिया जाता, और लॉकडाउन में उसकी रोशनी भी सिर्फ अमीरों के हिस्से में आती। मुझे खुशी है कि चांद को कोई खरीद नहीं सकता, नहीं तो उसकी सुनहरी रोशनी भी सिर्फ अमीरों के हिस्से में आती, और गरीब की जिंदगी अंधेरे में वैसे ही मरती जैसे लॉकडाउन में भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमीरों के घर में कारपेट बिछा हुआ है, पूरी दुनिया की जमीन पर कारपेट नहीं बिछा सकते, नहीं तो कारपेट के नीचे दबे हुए होते हैं गरीब। लॉकडाउन में मरने वालों की गिनती जारी है या फिर गिनती करना छोड़ दिया गया? हो, मैं तो भूल गया, आत्मनिर्भर बनो। मुझे खुशी है कि आसमान फटता नहीं है झूठ बोलने से, नहीं तो हर शहर हर गांव में जहां पर नेता भाषण देता आसमान फाड़ के आ जाता वहां से। मुझे खुशी है कि कुछ चीजें सरकार की नजरों से, उसकी